मौके माते गयो और पूरी घटना देखी तो मौके माते खून वगैरह सब चीजें मिली और पुलिस ने भी इन्फॉर्म किया। मौके माते डिप्टी भी आया, सब लोग आया। उन घटना के बाद कमो कमो परिवार है वो 8-10 बार एसपी साहब को ले, कलेक्टर साहब को ले, हर चीज मिले पर तो इन परिवार ने न्याय नहीं मिली। मैंने लागे जटे के सीजी में कहीं कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं जांच भी चेंज कराई, क्या क्या नहीं पांच पांच जांचों चेंज हुई, चौटन डिप्टी तक दी जांच, कोतवाल तक दी, हर तरीके में कोशिश करी कि भाई खुलासा हो सके। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहे है, पूरे कोई साथ नहीं दे रहे है, पूरे बाद में खुलासा नहीं हो। अब चुनाव पहला मैं एसपी साहब मिलिया के साथ अड़ी अड़ी घटना है, मौके माते फोन चुनौड़ी कुलाड़ी मिली, वोरे कपड़ा मिलिया, घर लेन हड़क तक 1 किलोमीटर पग डंडी है, गाड़ी भी नहीं आ सके। बीजी का पूरे रास्ते खून मिलो है, जगह जगह टोपा पटूटा है, 3-4 जगह उन्हें अगर राखियो नीचे तो वो जगह भी खून है, हड़क माते भी खून मिलो। पूरे बाद में मोटरसाइकिल माते घुमायो, पूरे रास्ते खून मिलो। मौके में कई साक्षी बरामद हुआ, पूरे बाद में भी पुलिस ने गिरफ्तार की। मारे सुनने में आयो जेड़े मैं पुलिस अधिकारियों बात करी तो ये है कि 11 तारीख री मुकदमा दर्ज हुआ, 16 तारीख या 17 तारीख माते जो हमको बात करो दिनेशपुरी गोस्वामी उरे पूछताछ में आ बात सामने आई रही कि भाई वो हुए 4 और 5 तारीख री रात रो घरे हो। पूरे माँ ने पूछियो कि भाई तेरे रात रो 2 बजे फोन क्यों क्यों, 2 बजे इन्हें फोन क्यों क्यों आपरे बेटे ने। इन सोरे पूछताछ करी जिन सोरे तो बहाना करिया कि भाई मैंने मेरी माँ फोन इन वास्ते क्यों के थारो मोबाइल चाहिए कोई टापर देनो इन तरीके रो बहानो क्यों, जबकि हकीकत दूजी जिन्हें पुलिस वाले माँ पूछताछ करी तो सामने आयो कि सोरो घरे हो को नहीं मोचे माते जिन्हें बिना फोन क्यों। तो होड़े 17 तारीख माते भी लगभग खुलासो हो गयो, उरी गाड़ी बरामद कर लेना है पुलिस वाला, उर माते खून ना छोटा लागूड़ा परंतु पुलिस वाले उन्हें बराबर नहीं की, 3-4-5 दिन आड़ो कारण बाद में उन्हें गाड़ी ने फ्री कर दी। तो कहने का मतलब वो है कि पूरा घटनाक्रम सामने हो कि हत्या होगी है, क्योंकि मौके में एक कुलड़ी बाई खून साफ करी धोयो है, रात्रा वाला कपड़ा धोया है, मौके आंगने में खून मिलो, हर तरीके में लागे हो भाई के जोरो जीव तो नहीं है, फिर भी खुलासो नहीं हुए। अब खुलासो हुए है, धन्यवाद है उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने हनुमान जी की कसम खा के ये कहा कि हम इसका खुलासा कर देंगे। हमने टाइम मांगा 13 तारीख को ज्ञापन दिया, 21 तारीख का मांगा कि भाई 21 अप्रैल तक खुलासा कर दो, 26 तारीख को वोट है, वोटों के चक्कर में हमने भी कहा कि क्या पता पॉलिटिकल दबाव बने तो हमारे बेटे का खुलासा हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी वोट है, रैलियां हैं, 16 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है गंगानगर में, ड्यूटियां वहां लगी है, वो 15 तारीख का लिखित में समझौता किया कि 15 तारीख तक किसी भी हाल में जिंदा है या मरा हुआ हम ये खुलासा करते हैं और 15 तारीख को ही खुलासा, 15 तारीख को जिस तारीख को लिख के दिया उसी दिन हमारे को खुलासा हो गया। इसमें बढ़िया धन्यवाद दूंगा एसपी साहब का, आईजी साहब का, आईजी साहब ने पूरा सहयोग किया, जोधपुर स्तर से उन्होंने टीम बनाई और उस पूरे मामले में उन्होंने उसका खुलासा किया कि भाई ये चीज हो गई है, आप मौके पे जाइए। हमने टांके से छड़ा हुआ सब निकाला, जब उसके पास कोई चमड़ी नहीं थी, हड्डियां थी, उसकी पैंट ऊंची की तो उसकी हड्डियां गिर रही थी, टांग अलग गिर रही थी, उसके हाथ अलग गिर रहे थे, उसका कहीं चेहरा नहीं था, उसके बाल तक नहीं थे, अंदर कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े भी मर गए थे क्योंकि सौ 13 महीने पुराना था। वहां से हमने उसकी बोट ली, उसके परिजनों ने पहचान की, उसके जेब से फूल निकला तो ये किसका है, किस देवी देवता का है, अंदर जर्दे की बूढ़ी निकली, जो भी वो चीजें होके अब खुलासा हो गया है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष हैं वो कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। यही धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद लाकर राम जी। अब मेरा